सो ये वो कुआ है जहाँ पर हमारे दादाजी के टाइम के लोग या फिर दादाजी से भी पुरानी बात है ये। सो फ्रेंड्स, मैं अपने फार्म के एंट्रेंस गेट पे हूँ, आपको अंदर ले चलता हूँ। थोड़ा डैमेज हो रहा है ये सब क्योंकि फार्म बन रहा है तो बहुत सारे ट्रैक्टर्स आते हैं और ट्रक्स आते हैं, उस रीज़न से यहाँ पर थोड़ा सा आपको उथल फुथल मिलेगा। सो यहाँ पर बेसिकली एक गार्डन डेवलप होगा तो उस सीज़न से यहाँ पर बहुत सारे मिट्टी डलवा रखी है जिसको भराव भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आपको कुछ बिखरा बिखरा सा व्यू दिख रहा होगा पूरा, तो ये समय के साथ इसको बना दिया जाएगा। यहाँ पर मुझे सबसे बेहतरीन जो व्यू लगता है और यहाँ पर मुझे एक अलग सा जो पीस मिलता है वो इसी गेट से मुझे मिलता है, तो उस पीस तक जाने का रास्ता इस गेट से है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, मैं आपको उस जगह पे लेके आ चुका हूँ जहाँ का रास्ता आप पीछे देख रहे हैं, और हमने स्टार्टिंग यहाँ से की थी और देन हम पीछे की ओर जा रहे हैं जहाँ पर मैं मोस्टली अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, और जब भी अपने फार्म आने का मौका मिलता है तब मैं मोस्टली यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। सो आपको ले चल रहा हूँ। आई थिंक आपको कुछ पानी की आवाज़ आ रही होगी। सो बिल्कुल यहाँ पर ये जो पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर जो चार चांद लगाता है वो ये नहर है। अब ये नहर कहाँ से आ रही है उसका ब्रीफ मैं वीडियो का आगे देता हूँ। दोस्तों, हम नहर के पास आ चुके हैं जो मेरे बिल्कुल घर के अंदर से होके निकल रही है। ये मेरे लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है मेरे फार्म के यहाँ का, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको मोस्टली जब भी आऊँगा, आप जब भी आएंगे कभी भी मुझसे मिलने, तब आपको मैं यहाँ पर ही मिलूँगा जब मैं गाँव आया हुआ हूँगा तब। आप देख सकते हैं ये मैंने आग लगाई थी, और यहाँ पर मैं अभी ठंड के दिन है तो यहाँ पर थोड़ी गर्माहट लेने के लिए यहाँ पर मेरा मोस्टली टाइम निकलता है। तो बहुत ही अच्छा ये व्यू है जैसे आप खुद फील कर सकते हैं। सो जैसे जैसे हम मेरी फेवरेट प्लेस पे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो पूरी मेरी फेवरेट है, बट मैं आपको ऐसे ऐसे जगह बताऊँगा जो आपको देखकर बहुत ही अच्छा फील होगा। मेरे पीछे घर है और ले चलता हूँ आपको एक छोटे से टूर पे। सो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहद सुकून वाला, और मतलब आप शहरों में हम सब रहते हैं बट ऐसी जगह पर अगर आप 2 से 3 डेज आप स्पेंड कीजिए, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है पूरा, और फिर से बैक टू वर्क। जब भी हम अपने वर्क को लॉग इन करते हैं, जब भी हम अपने काम पर लगते हैं, तब बहुत ही अच्छा एहसास होता है। सो आप देखिए पीछे जो आप खेत देख रहे हैं वो गेहूं के खेत हैं जहां पर गेहूं उग रहे हैं, जो छोटे छोटे सीड्स डाल के और इनको पानी दिया जाता है टाइम टू टाइम। हमारे यहाँ पर जो लोग इनकी देखभाल करते हैं वो इनको टाइम टू टाइम पानी पिलाते हैं, और जब ये बड़े होंगे मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि किस तरह से इसकी कटिंग होती है और उससे हम फाइनल रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ बतानी थी आप सभी को। यहाँ पर एक चीज़ मुझे मिली, क्योंकि मैं इतना खेतों में आता नहीं हूँ, बट मैंने सोचा कि इसी रीज़न से आपको कुछ अच्छा दिखा दिया जाए। सो ये आपको एक जैकेट दिख रहे हैं, किसी बच्चे का है फिर किसी अंकल का है पता नहीं मुझे, पर ये किस लिए लगा रखे हैं वो आप मेरे को वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना। चलो मैं अभी बता देता हूँ आपको। जो यहाँ पर नील गाय, जो आपको पता होगा जिसको हमारे मेवाड़ी में रोजड़े कहते हैं, उनको दूर करने के लिए ये जो कोट लगाते हैं, इससे वो इसको देख के सोचते हैं कि कोई इंसान खड़ा है, और इससे फसल को खाते नहीं और डैमेज नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, दिखाने को बहुत कुछ है यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि मैं एक वीडियो में ना कवर करके आपको 3-4 वीडियोस बताऊँ, बट अगर मैंने 3-4 वीडियोस बताई तो आपका एक फ्लो जो है देखने का वो टूट जाएगा। इस रीज़न से मैं चाहता हूँ कि जितना हो सकता है मैं एक बार इसी वीडियो के अंदर मैं आपको सारा कवर कर पाऊँ। तो आप बिल्कुल देखते रहिए,
और आपको क्या अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो दोस्तों, ये जो आप ट्रीज़ देख रहे हैं, लंबे जो पेड़ हैं, वो यहाँ की जो खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि जब नेचर के यहाँ पर किसी का डिस्टर्बेंस ना हो और ये अपने आप में ग्रो हुए हैं, यहाँ पर किसी ने इन पेड़ों को लगाया नहीं है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और आसपास में जो खेत देख रहे हैं, सारे खेतों में गेहूं की फसल उग रही है। सो आपने देखा होगा कि हमने जहाँ से वीडियो स्टार्ट करा था वो मेरा फार्म की स्टार्टिंग थी, और ये मेरे फार्म का बैक साइड है जहाँ पर पूरा जंगल टाइप का लग चुका है, और यहाँ पे हमारी सीमाएं समाप्त होती है। यहाँ पे कुछ बाड़ टाइप का कांटे दे रखे हैं जो लास्ट स्टेज है हमारी यहाँ की। यहाँ पर ये सब ओवर होता है। एक्चुअली इतना बड़ा है कि इसको पैक कराना अभी पॉसिबल नहीं है इस रीज़न से। सो फ्रेंड्स, अब मैं जहाँ पर आपको लेके आया हूँ, मतलब मैं क्या बताऊँ, सारी जगह ही मेरी फेवरेट है, बट ये जो है ये थोड़ी यूनिक है आपके लिए भी। और इसका कुछ डिटेल्स मैं आपको देता हूँ। जो मेरे दादाजी थे, उनके पिताजी या फिर उनके भी पिताजी, वो यहाँ से पानी निकाला करते थे। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं जो आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही रेयर है हमारे लिए भी, और जो देख रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये कम से कम 150 years, 150 साल पुराना ये कुआ है, जहाँ पर जो आज ये खेत देख रहे हैं आप, जो मैंने आपको दिखाए थे, उन खेतों में जो पानी की सप्लाई होती थी, जैसे उन फसलों को पानी पिलाते थे, उस कुएं के जरिए पिलाते थे। और आज नहर आ चुकी है, बहुत सारे ट्यूबवेल्स हो चुकी है, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिससे आप पानी की सिंचाई कर सकते हैं खेतों पर। सो पर फिर भी जो ओल्ड इज़ गोल्ड, मैं आपको उसके बारे में दिखाता हूँ, मैं आपको वीडियो बताता हूँ। सो ये वो कुआ है जहाँ पर हमारे दादाजी के टाइम के लोग, या फिर दादाजी से भी पुरानी बात है ये, उनके ज़माने में यहाँ पर लोग आके यहाँ से पानी निकाला करते थे। और इस कुएँ पे आप देख सकते हैं पूरा भरा है। मैं आगे नहीं जाऊँगा, बट थोड़ा दूर से बताऊँगा क्योंकि भरा हुआ है। मैं बहुत दूर से ही दिखाना पसंद करूँगा आपको। सो ये कुआ है, और एक टाइम पे बिल्कुल ही यूज़ कंडीशन में था। यहाँ से बेल आते थे और खींच के इसमें से पानी निकालते थे, और जब भी कुछ नया काम होता था खेत पर, या फिर खेतों की बुआई से लगाकर फसलों की कटाई तक जो भी नया काम स्टार्टिंग होती थी, उस पे हमारे यहाँ पर भगवान विराजमान हैं, श्री गणेश जी भगवान, इनकी वंदना करके किसी भी नेक काम को स्टार्ट किया जाता था। आपको यहाँ पर लोग आते नहीं हैं, और इस सीज़न से ये वही कुआ है जो पूरा भरा हुआ है, बट अब इसका कोई यूज़ नहीं करता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा होगा, आपको बहुत अच्छा लगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।